हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा की छात्रा स्वाति ने बेहतरीन अंक प्राप्त कर प्रदेश भर में स्कूल का नाम चमकाया है। स्वाति ने 700 में से 681 अंक हासिल किए हैं। शुक्रवार को स्कूल परिसर में आयोजित सादे समारोह में स्वाति को प्रधानाचार्य विकास महाजन ने सम्मानित किया। उन्होंने स्वाति को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं देने के साथ साथ उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। विकास ने कहा कि स्वाति एक साधारण परिवार से संबंध रखती है। स्वाति के पिता दिहाड़ीदार है और माता गृहिणी है। स्वाति ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत दिखाते हुए कठिन परिश्रम किया और मेहनत के दम पर यह सफलता पाई है। हालांकि कुछ ही अंकों से स्वाति मेरिट में स्थान पाने से चूक गई है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि 11वीं और 12वीं कक्षा में वह प्रदेश के अव्वल विद्यार्थियों की सूची में अवश्य नाम शामिल करेगी। वहीं विकास ने कहा कि स्कूल में कन्याओं को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इसके दम पर ही 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में स्कूल की छात्रा दिवांशी ने मेरिट सूची में स्थान हासिल किया था। वहीं स्वाति ने अपनी इस सफलता का श्रेय अभिभावकों सहित स्कूल के समस्त स्टाफ को दिया है। स्वाति का कहना है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह कठिन परिश्रम करेगी। बहरहाल स्वाति की इस सफलता की खबर फैलते ही उसे व उसके अभिभावकों को बधाई देने वालों का तांता लग गया। इन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, इतनी बातें बोली मेरे बारे में, वेरी वेरी थैंक यू। अब मुझे पता नहीं मैंने कैसे बोलना है, बट जो भी मेरे जितनी भी मैंने मेहनत किया उसको मैं छोटे से शब्दों में आपके सामने व्यक्त करूँगी। सबसे पहले जितने भी मेरे टीचर्स हैं उनको मेरा बहुत बड़ा थैंक यू। मेरे पेरेंट्स, मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ तो उनके पीछे वही हैं। थैंक यू सो मच ऑल द टीचर्स, हमारे वीरेंद्र सर, मोनिका शर्मा मैम, जोशीना मैम, राशि मैम, शास्त्री सर और जितने भी टीचर्स हैं सभी को मेरा बहुत बड़ा थैंक यू। और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे हैं। और साथ ही एक मेरी फ्रेंड है जिसका इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, शायद हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, कशिश चौहान। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती है जब भी मैं पढ़ती हूँ, तो वो भी मेरे साथ ही पढ़ती है। वो अभी इस साल ही वो स्कूल में आई है, वो CBSE से आई है। तो हम जब साथ साथ में पढ़ते हैं, उसके कोई डाउट हो तो मैं सोल्व कर देती हूँ, मेरे कोई डाउट हो तो वो सोल्व कर देती है। इसी तरह से हमने पढ़ा है, तो मैं उसको भी थैंक यू करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। और उसने बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया है। मेरे पेरेंट्स को भी मेरा थैंक यू। मैं इसी तरह से पढ़ी हूँ, अगर कोई भी मुझे डाउट होता है तो मैं सभी से पूछ लेती हूँ। आपके भी अगर कोई डाउट हो तो पूछना है, और अपनी कंपनी ऐसी बनानी है जो आपको मोटिवेट करे, आपका साथ दे और आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं 9th से यहाँ पढ़ रही हूँ और 10th में मेरी ये पोजीशन आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके पीछे हमारे सभी टीचर्स की मेहनत होती है, पेरेंट्स की मेहनत होती है, और हमने तो मेहनत की है, पर मेरे पेरेंट्स जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है, हम यहाँ पर रूम लेके रहते हैं और वो हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, तो मुझे बहुत ही आज अच्छा लग रहा है कि वो भी मेरे लिए प्राउड फील कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, मेरा साथ दिया, थैंक यू। आज विद्यालय के लिए बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे विद्यालय की एक छात्रा ने, स्वाति ने, 681 मार्क्स हासिल किए हैं, 681 नंबर लिए हैं। मेरिट से सिर्फ 3 या 4 नंबर से वो रह गई है, पर मेरिट नहीं आने का हमें गम नहीं है। पर जिस विपरीत परिस्थितियों में इस बच्ची ने पढ़ाई की है, इसकी लगन, इसकी मेहनत मुझे नज़र आ रही है। ये बच्ची यहाँ पर क्वार्टर लेके रहती है, इसके मदर फादर जो हैं वो इस बच्चे की वजह से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, और उसके बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इस बच्ची की मेहनत जो है वो आज सामने आई है, जिसमें 681 मार्क्स लिए हैं इसने आउट ऑफ 700, और संस्कृत में इस बच्ची ने 100 में से 100 नंबर लिए हैं, और मिनिमम मार्क्स जो हैं इसके 95 हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी 97, 98, 99 इस तरह के इस बच्ची के मार्क्स हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्ची ने कितनी मेहनत की होगी। मैं इस बच्ची के उज्जवल, ये प्लस वन में भी ये बच्ची साइंस स्ट्रीम में हमारे स्कूल में है, इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये प्लस टू की मेरिट लिस्ट में भी अपना स्थान हासिल कराएगी। इसके लिए मैं इसको शुभकामनाएँ देता हूँ। हिमाचल प्रदेश न्यूज़ के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।